क्लास सेकेंड सब्जेक्ट इंग्लिश वन, इसमें हमने लास्ट पढ़ा था लेसन थ्री। अपनी बुक देख लीजिए, कॉपी रखिए अपने पास, पेंसिल भी रखिए। तो इसमें देख लीजिए, हमने कल पढ़ा था, वो था द मिल्क मेड एंड हर पेल। एक दूध वाली जो थी, दूध बेचने वाली जो थी, उसकी स्टोरी थी। वो किस तरीके से रास्ते में अपना दूध की बाल्टी लेके जा रही थी और किस तरीके से उसके सपना देखते देखते वो जा रही थी, और उसकी बाल्टी जो उसके सर से नीचे गिर गई और सारा का सारा दूध नीचे बिखर गया। तो इसमें हमने लास्ट जो किया है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। हम कर चुके हैं पेज नंबर 23 का। इसमें हम अब आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 24, जो कि है ट्रू और फॉल्स। तो इसको आप देख लीजिए और जिस तरीके से मैं बताऊंगी, बॉक्स में आप टी और एफ लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए सुनिए। नंबर वन जो है, बैटी वॉज अ मिल्क मेड। जो बैटी थी वो एक मिल्क मेड थी। मिल्क मेड वो होते हैं जो दूध दही का काम करते हैं, दहने वाले दूध। तो ये सही है कि गलत है? ये बिल्कुल सही है। तो हम इस बॉक्स में लिखेंगे टी, मतलब ट्रू। नेक्स्ट देख लीजिए, टू नंबर वाला, बैटी वॉज थिंकिंग ऑफ बाइंग अ रेड फ्रॉक। बैटी जब रास्ते पे चल रही थी तो वो सोच रही थी कि जब दूध बेचूंगी तो मैं अपने लिए एक ड्रेस खरीदूंगी जो कि एक रेड कलर की फ्रॉक होगी। तो ये सही है कि गलत है? ये फॉल्स है, ये एफ है, क्योंकि उसको पिंक कलर की फ्रॉक अपने लिए खरीदनी थी। थर्ड वाला देख लीजिए, सुजैन वॉज बैटीज फ्रेंड। सुजैन जो थी वो बैटी की दोस्त थी। सही या गलत? सही, ट्रू, टी। फोर्थ नंबर, शी वॉज केयरफुल है, शी वॉज कैरिंग मिल्क। वो बहुत सावधानी से चल रही थी जब वो दूध लेकर जा रही थी। तो ये बिल्कुल गलत है, ये फॉल्स है। एफ लिख दीजिए आप बॉक्स में। फाइव नंबर, शी सोल्ड मिल्क एंड मेड अ लॉट ऑफ मनी। उसने वो दूध बेचा और उससे बहुत सारा रुपया कमाया। तो ये बिल्कुल गलत है, ये फॉल्स है, क्योंकि उसका सारा का सारा जो दूध था वो रास्ते पे बिखर गया था। और इसी में मैं आपको बी पार्ट भी करवाऊंगी, तो पहले आप इसको नोट्स में देख लीजिए और इसमें थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए जब मैं बी पार्ट करवाऊंगी इसी के नीचे वाला। ऐड एन अल्फ़ाबेट टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। यहाँ पिक्चर बनी हुई है, तो इस पिक्चर का जो फर्स्ट लेटर है वो हमने यहाँ लिखने हैं। जैसे कि सबसे पहले आप देख रहे हैं एक स्नेल है, आगे का फर्स्ट लेटर हमने छोड़ा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे बुक में पहले लिखा हुआ है वो, तो बन गया स्नेल एस जोड़ के। नीचे आप एक देख रहे हैं टू नंबर का तारा। तारा होता है क्या? तारे को इंग्लिश में बोलते हैं स्टार। तो यहाँ पहले क्या आएगा? हमने वो अल्फ़ाबेट लिखना है। इसी तरीके से आर ए आई एन लिखा है, तो सामने बनी है ट्रेन, तो ट्रेन का फर्स्ट लेटर हम यहाँ लिखेंगे। इसी तरीके से फोर नंबर पर बनी हुई है चेयर, तो चेयर का जो फर्स्ट लेटर है वो खाली वाली जगह में आएगा। और ये प्लस हिप लिखा है, तो ये क्या है? ये है शिप, तो इसका फर्स्ट लेटर एस फर्स्ट में आएगा। तो इसे आप कॉपी पर देख लीजिए एक बार। ये देख लीजिए आप, नोट्स देख लीजिए। इसी तरीके से आपने इसको अपनी कॉपी में बनाना है। इसे आप देख लिया आपने, ये जहाँ बॉक्स बने हैं वहाँ पे आपने जो सही है ट्रू लिखना है, जो गलत है वहाँ पे आपने फॉल्स लिखना है। डेट डालिएगा ऊपर से, जो हम कर रहे हैं वो आप डालिएगा। तो देख लीजिए पहला वाला, बैटी वॉज अ मिल्क मेड। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया बुक में कि ये ट्रू है, तो हम ट्रू लिखेंगे। टू, बैटी वॉज थिंकिंग ऑफ बाइंग अ रेड फ्रॉक, तो ये फॉल्स है। थ्री, सुजैन वॉज बैटीज फ्रेंड। सुजैन जो थी वो बैटी की दोस्त थी, तो ये ट्रू है। फोर नंबर, शी वॉज केयरफुल एज शी वॉज कैरिंग मिल्क। वो सावधानी से चल रही थी दूध लेकर, तो ये गलत है, फॉल्स है। फाइव नंबर, शी सोल्ड मिल्क एंड मेड अ लॉट ऑफ मनी। बिल्कुल गलत, क्योंकि दूध गिर चुका था और कोई भी उसने रुपया नहीं कमाया। बी पार्ट वाला देख लीजिए, ऐड एन अल्फ़ाबेट टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। तो मैंने इस तरीके से आपको इसमें करा हुआ है, फर्स्ट हमने लिख दिया एस प्लस एन ए आई एल, तो बराबर स्नेल। एस प्लस टी ए आर, तो प्लस हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? स्टार। फिर टी प्लस आर ए आई एन इक्वल टू, क्या होता है? प्लस का साइन हटेगा तो ये बन जाएगा ट्रेन। और इसमें से फोर एंड फाइव, रिमेनिंग फोर एंड फाइव इन होमवर्क। लास्ट के जो फोर और फाइव हैं वो आपने अपने आप ही करने हैं। तो ये आपका काम है आज का।